जाप जो यूं कह लें कि क्लैरिफिकेशन जो दे रहा है, जो इरसा के सरबराह क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, या जो पंजाब के वजीर ज़राअत, वो क्लैरिफिकेशन आपको गलत क्यों लग रही है? मतलब वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी पानी की कमी है, कुदरती पानी की कमी है, और आपको आपके हिस्से का पानी मिल रहा है, पंजाब को भी 16% कमी का सामना है, ये जस्टिफिकेशन आप मानने से अगर इनकार कर रहे हैं तो किन बेसिस पे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी वजाहत करता चलूं कि मैं एग्रीकल्चर में इरिगेशन मिनिस्टर हूं, एक आप थोड़ा अपने। दूसरा, अच्छा ठीक है जी, मेरे बिल्कुल पास ठीक है। डेटा, मेरे पास एक अवेलेबल। 4 दिन से तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी कल, और आज भी मैं विथ डेटा बैठा हूं। अगर इरसा या अच्छा पंजाब हुकूमत, जो मैं डेटा शेयर कर रहा हूं टीवी सोशल मीडिया में, ये डेटा गलत है, तो बैठ के मुझे साबित कर दें कि भाई ये उसकी डेटा गलत है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि मौजूदा खरीफ में 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 10 मई तक सिंध में 1990 मुताबिक जो कि हटा के अभी तक वो उसको कभी भी तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसी अहदाफ के अच्छा तहत चलेंगे। अपने हिस्से यानी कि 3.421 मिलियन एकड़ फुट के मुकाबले में 2.477 मिलियन एकड़ फुट पानी इस्तेमाल किया, जो कि हिस्से के मुकाबले में तकरीबन 28% कम है। लिहाजा जो अरसा ने अपनी क्लेरिफिकेशन दी थी कि सिंध जो है वो सिर्फ 4% शॉर्टेज ले रहा है, ये सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। मैं डे वन से कह रहा हूं कि भाई आप मेरे साथ डेटा लेके बैठ जाए। इरसा जो है वो गवर्निंग बॉडी है, सिर्फ पानी को कंट्रोल अथवा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो अपनी तरफ से कोई फार्मूला जो है बना ही नहीं सकती। इरसा जो है इस वक्त 3 tier फार्मूला के तहत पानी दे रही है, जो कि वास्तव अकार्ड में है ही नहीं। इस वक्त जो सिंध को, पंजाब को, बलूचिस्तान को जो पानी दिया जा रहा है वो 3 tier फार्मूला के तहत दिया जा रहा है। आप इरसा से पूछ लें कि भाई 3 tier फार्मूला वाटर अकार्ड के किस सेक्शन में लिखा हुआ है, कोई उनके पास जवाब नहीं है। अब पंजाब में कि हम जो है वो ले रहे हैं, बिल्कुल पंजाब जो अच्छा है यही डाटा आज पंजाब दे रहा है सर, वो भी डाटा दे रहे हैं कि नहीं जनाब, ये देखिए हमने इतना पानी इनको दिया, ये डाटा हमारे पास है। पंजाब की डेटा, आपने पंजाब की कहा, आज के दिन पंजाब, आपने खुद कहा कि 96,155 क्यूसिक, आपने खुद ही अभी इंट्रो में दिया कि जी जी वो जी जी खाली, जी जी जबकि जबकि मुआदे में उनके हिस्से का पानी है 1,08,000। ठीक है, इस हिसाब से टोटल शॉर्टेज वो सिर्फ 5% दे रहे हैं। आपने खुद अपने इंट्रो में फिगर दी थी कि 90 अच्छा फाइव ठीक में मान ठीक रहा हूं, है ठीक है कि वो सही कह रहे हैं कि पानी वो उनका वही है, लेकिन अकार्ड के तहत उनको पानी मिलना था 1,08,000, यानी शॉर्टेज उनको सिर्फ 96,155 के हिसाब से उनकी वो शॉर्टेज सिर्फ उठा रहे हैं 5%। अब ये जो है एक्चुअल पोजीशन है वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। अब दूसरा ये है कि मैंने वो 3 tier फार्मूला कहा, वाटर अकार्ड में कहीं पे भी 3 tier फार्मूला है ही नहीं। हम देखे पीटीआर गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट एक बड़ी घिनौनी साजिश भी कर रही है। बलोचिस्तान को जो पानी उन्होंने, मेरे पास वो रिकॉर्ड में मौजूद है, मैं आपके साथ वो शेयर भी कर लूंगा, इन्होंने बस आउटराइट कह दिया कि बलोचिस्तान को 3,500 क्यूसिक पानी दे दे विदाउट एनी वो क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन। हम नहीं चाहते कि प्रॉमिसेस के बीच में एक नफरत भरी तफरीक पैदा हो। हमने कहा चलो भाई जो आप कह रहे हैं 3 tier फार्मूला के तहत हम बलोचिस्तान को वही पानी प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम 3 tier फार्मूला तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन हम नहीं चाहते। हम बेमन से कह रहे हैं कि भाई ना हमें पंजाब के हिस्से का पानी चाहिए, ना हमें बलूचिस्तान के हिस्से का पानी चाहिए, सिंध को सिंध के हिस्से का पानी दे दे। हम कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर सूबे के, किसी भी सूबे के हक की तलफी की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि सिंध के पानी का हिस्सा जो है वो उसको प्रोवाइड कर दें। देखिए कराची थरपारकर थट्टा बदीन सिजावल और केवल कंबर शबा को यहाँ पानी पीने के लिए प्रॉब्लम चल रहा है। पंजाब के इरीगेशन मिनिस्टर का आपने बयान बताया, वो गलत बयान कर रहे हैं, मैं मुझे उनके लिए एहतराम है, लेकिन सिंध में काटन की बुआई अभी तक चल रही है और पानी आप खुद आके, मैं मीडिया के दोस्तों को अपील करता हूं आप मेरे साथ चलें, खुद आके देखें कि पानी की जरूरत कहां पे क्या क्या है।